इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर की ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया। जो भी कैंडिडेट पहले से ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं रोजगार संगम सेवा योजना विभाग में, वो लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, उनको क्या अपने डिटेल्स को एडिट करना पड़ेगा और कैसे अपने डिटेल्स को एडिट करना है, एडिट करने के बाद कैसे आवेदन करेंगे, अगर ये प्रोसेस आप चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। बहुत से लोगों का ये समस्या जरूर होगा। सो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रोजगार सेवा योजना के ऑफिशियल पेज पर आना है। पहले से अप्लाई किए हुए लोग सबसे पहले यहाँ पे यूजर आईडी नंबर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। यहाँ कैप्चा कोड मिल जाएगा, इस बॉक्स में लिख के आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। आप सीधे अपने डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल्स दिखाया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले अपने प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल प्रविष्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शो हो जाएगा। इसमें जो भी डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसमें अपने किसी भी ऑप्शंस को चेंज करने के बाद आपको नीचे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बटन मिलेगा सुरक्षित करें, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी सूचनाएं जो है वो सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई हैं। अब यहाँ ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको संपर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने सभी ऑप्शंस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि किस ऑप्शंस में आपने कोई डिटेल्स फिलअप नहीं किया है या जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपका फिलअप नहीं है उसे आपको इसमें फिलअप करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित करके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। एक एक डिटेल्स आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। जैसे आप सुरक्षित करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको शारीरिक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपने सभी डिटेल्स को चेक करना है और यहाँ पे आपको सुरक्षित करने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये भी डाटा आपका सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जितना भी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किए रहेंगे वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसमें जो देखिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है CCC की बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके पास CCC की क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। अगर आप सिर्फ 10वीं की ही क्वालिफिकेशन इसमें ऐड किए हैं तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें एडिट चेंजेज कर सकते हैं। कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पे कंप्यूटर हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल सिलेक्ट करना है कि कौन से लेवल का आपके पास क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप ये क्वालिफिकेशन हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में क्वालिफाइड है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अदर सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आप नेलिट लिख लीजिएगा क्योंकि CCC की कोर्स जो होती है नेलिट के द्वारा होती है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है एंड यहाँ पे मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे तो सर्टिफिकेट की जो नंबर है रोल नंबर अगर आपका है तो वो रोल नंबर भी आप सर्टिफिकेट नंबर में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन और आ जाएगा जिसमें आपको अपने मंथ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन किस माध्यम से आपने क्वालिफाइड किया है, परसेंटेज से या ग्रेड से, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टोटल कितना नंबर है वो लिखना है। इसके बाद कितना पाया है वो लिखना है। सभी डिटेल्स को लिखने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। सेव के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। यहाँ ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अपने क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स को चेंज करने के बाद आप एक्स्ट्रा जो भी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहेंगे यहाँ न्यू शैक्षिक योग्यता के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे भाषा ज्ञान के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने लैंग्वेज को चेक कर लेना है। अगर आपको लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस करनी है तो यहाँ से आप संशोधन कर सकते हैं। आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा कौशल का, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल है तो आपको यहाँ पे हाँ करके अपने डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। यदि कोई भी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप इसे नहीं रहने दीजिए। इसके बाद कार्य अनुभव के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स को यहाँ पे आप लिखेंगे। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं के बटन पे क्लिक कीजिए। वरीयता के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसमें कोई भी डिटेल्स आप चेंज करना चाहेंगे तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं करनी है तो डायरेक्ट आप यहां सुरक्षित करके बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपको प्रोसेस मिलेगा घोषणा पत्र का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे घोषणा पत्र की सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। जितना आपने फॉर्म सबमिट किया है जो भी डिटेल्स वो आपको यहाँ पे सही का ट्रिक मार्क मिलेगा।
जो आपने फिलअप नहीं किया उस पे आपको कट का ट्रिक मार्क मिलेगा। इसके बाद प्रोफाइल प्रिंट करके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपकी जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। इसके बाद प्रोफाइल को प्रिंट करने के लिए क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं या तो आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, इनकेस भविष्य में कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर सकें। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। अभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, ये आपका प्रोफाइल एडिट हुआ है, चेंज हुआ है। प्रोफाइल जब आपका चेंज हो जाएगा, आप अपने प्रोफाइल में एडिट कर लेंगे, तब आपको यहाँ पे बटन मिलेगा नौकरियों के लिए आवेदन करें, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा जिसमें सभी प्रकार की भर्तियां दिखाई जाएंगी। अभी फिलहाल वाराणसी की वैकेंसी एक्टिवेट की गई है, जिसमें आपको वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम विभाग की ओर से वैकेंसी जारी किया गया है। अब तक टोटल कितना वैकेंसी पोस्ट अप्लाई किया गया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्त विवरण मिल जाएगी, वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप आवेदन करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा आपकी जो आवेदन है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। यहाँ पे आपको प्लीज इंश्योर का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप कंफर्म इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वैसे आपकी जो फॉर्म है सबमिट हो चुकी है, आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर लिया गया है। अब यहाँ आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको फिर से इसी पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने पोस्ट अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे आपको आवेदन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से आवेदन करने की ऑप्शन नहीं शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे, अभी यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। इसे चेक करने के लिए आपको डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नौकरियों के लिए आवेदन करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टोटल दो पोस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को कन्फर्म नहीं हो रहा है तो चलिए फिर से यहाँ पे एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे आप नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी वैकेंसी एक्टिवेट की गई है वो वैकेंसी आपके सामने शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे देखिए सेकेंड पोस्ट की वैकेंसी हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे आवेदन करने की अंतिम तिथि और कितना पोस्ट अप्लाई किया गया, रिक्त विवरण और यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसको हम आवेदन करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप आवेदन करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से यही ऑप्शन शो हो जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने सेकेंड नंबर की पोस्ट अप्लाई किया है तो यहाँ पे देखेंगे आवेदन करे की डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कितना टोटल पोस्ट अप्लाई किया गया है, यहाँ पे रिक्त विवरण दिखाया जा रहा है। अब इसमें आवेदन करे का ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसके लिए आवेदन कर लिया है। अगर आप इसमें आवेदन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आवेदन करे का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म इस प्रकार से करेंगे, जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका पोस्ट आवेदन हो जाता है आपको दोबारा से ये आवेदन करे ऑप्शन शो नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम चलिए चेक करते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर आप देखेंगे नौकरियों के लिए आपने आवेदन कितना किया, तो टोटल यहाँ पे तीन दिखाया जा रहा है। तीन वैकेंसी के लिए आपने अभी तक आवेदन कर लिया है, तो जितना भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पे आपके वैकेंसियां दिखाई जाएंगी। अगर आप इसे प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो प्रिंट आउट नहीं ले सकते हैं, आपका डायरेक्ट इसमें सेव हो जाएगा, आपके प्रोफाइल डिटेल्स के द्वारा ही आपका पोस्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, अब किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा तो यहाँ नौकरियों के लिए आवेदन करे के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आवेदन जितना है वो आपके सामने शो हो जाएगा। जिस भी आवेदन को अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको आवेदन करे के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई सवाल होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।